जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका अपने ही YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश वर्मा। आप देख रहे हैं अपना ही YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प। तो दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल आपने बिल्कुल सच देखा। आज आपका फाइनल जो रिजल्ट है नेवी AA और SSR का आने वाला है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। पूरी विस्तृत जानकारी का उसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी ऊपर मिल जाएगा आपको, ठीक है, राइट कॉर्नर के अंदर। तो गाइज उसको आप वॉच कर सकते हैं यदि आपको किसी भी प्रकार का उनसे संबंधित डाउट है तो। और इस वीडियो में आपको सिर्फ यही बताने वाला हूँ आप रिजल्ट को किस प्रकार चेक करना है और रिजल्ट को किस प्रकार आपको देखेंगे आप अपने मोबाइल के द्वारा, ठीक है गाइज। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रेंड, आपको यदि आपकी ईमेल आईडी के पासवर्ड भूल गए हैं तो अभी से आप इसे फॉरगेट कर लें, अन्यथा आपका जब रिजल्ट आएगा तो सर्वर है बहुत बिजी हो जाएगा, उसकी वजह से वेबसाइट पे ट्रैफिक आने की वजह से फॉरगेट पासवर्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी से कोई प्रॉब्लम है वो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इस साइट पर आ जाएंगे और अप्लाई ऑनलाइन है इस पर आपको क्लिक करना है गाइज, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो चुका है इस पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में। यहाँ पे यदि आपका अकाउंट नहीं है, पहले आपका अकाउंट तो है क्योंकि रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है गाइज। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड वो डालने हैं जो ना कि आपकी ईमेल आईडी के हैं, यहाँ पर जो नेवी के ऊपर अकाउंट रजिस्टर्ड है। मैं हर बार ये आपको पूरी जानकारी विस्तृत से देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो गाइज, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें कौन सा पासवर्ड डालने हमें याद नहीं है, तो आप यहाँ से यदि आपके पासवर्ड याद नहीं है तो आप अभी से फॉरगेट कर लें यहाँ पे, फॉरगेट योर पासवर्ड से, और यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइज। अन्यथा आप रिजल्ट आने के बाद में फॉरगेट करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और फॉरगेट भी नहीं होगा क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो अभी से फॉरगेट करें, जिसको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल एड्रेस डालें, यहाँ पे पासवर्ड डालें अपने जो यहाँ पे नेवी के अकाउंट के लिए रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है गाइज वो यहाँ पे कैप्चा डालें। यदि आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ से ये जो सर्कल वाला है यहाँ पे इस पे क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं, उसके बाद में लॉगिन कर दिए। तो गाइज मैं आपको आपको जल्दी से इस वीडियो को लंबा ना करते हुए, बड़े ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए ईमेल आईडी को और लॉगिन कर देता हूँ, तुरंत आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे सब कुछ इनपुट कर दिया है गाइज, ठीक है। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी को इनपुट कर दिया है, पासवर्ड डाल दिए हैं, कैप्चा भी डाल दिया है WWV94, ठीक है, सेम मिला दिया। तो अब यहाँ पे अब मेरे को करना है लॉगिन वाले बटन पे क्लिक डायरेक्ट। मैं जैसे ही लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से गाइज नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक नया पेज ओपन होगा, ठीक है। जैसे ये ओपन हो जाता है तो गाइज यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लास्ट में मिलेगा 08/2019, ठीक है। AA SSR के लिए अप्लाई किया लेकिन SSR में ही हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइज यहाँ पे सेलर के लिए, तो जो सेलर ही होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है गाइज, ठीक है, व्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देख लेना 08/2019, मतलब आपकी ज्वाइनिंग है वो अगस्त बैच में होने वाली है। तो व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो व्यू के ऊपर क्लिक करते हैं नया पेज ओपन हो जाएगा गाइज, यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आने के बाद में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपकी जो कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है रिस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, रिटर्न एग्जाम में भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और इनका एडमिट कार्ड भी यहाँ से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेट लिस्ट अपॉइंटमेंट लेटर है वो यहाँ से ग्रीन हो जाएगा, ठीक है गाइज, और ये भी ग्रीन हो जाएगा, मेडिकल स्टेटस भी आ जाएगा आपका, ठीक है। और तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत है नहीं गाइज, और यहाँ पे देख सकते हैं नंबर से भी आप सब कुछ देख सकते हैं आप गाइज। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा और यहाँ पे आपका मिल जाएगा गाइज, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपका, जैसे कि कट ऑफ कितना रहेगा क्या रहेगा वो यहाँ पे सब कुछ इश्यू करा जाएगा गाइज, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आप कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे दीजिएगा। जैसे आपका रिजल्ट क्लियर होगा डिक्लेयर, तो उसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें गाइज, जिससे किसी भी प्रकार की आपकी दिक्कत ना हो गाइज। और इसके अंदर अभी और बता देता हूँ एक बात और आपकी, कि मेट लिस्ट जो आपका मेट आएगा गाइज उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ठीक है। मेट के लिए बात करें तो अपन सबसे बड़ी बात यही है कि लास्ट ईयर के तो बहुत देरी से आया था, इसमें सर्वर की प्रॉब्लम रहती है, सभी कैंडिडेट्स एक बार लॉगिन करेंगे तो साइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगा, तो उसकी वजह से इसमें देरी होती है गाइस, ठीक है। तो आपका रिजल्ट शाम तक आ जाएगा 3 या 4 बजे तक, यदि इसमें देरी होती है तो 5 भी बज सकते हैं और दोपहर के आसपास भी आ सकता है, कन्फर्म नहीं है गाइस लेकिन आएगा, ठीक है। यदि ऐसा नहीं हो सकता, यदि होता है तो फिर कल भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 20 जून इंक्लूड किया हुआ है, तो 20 जून को ही रिजल्ट आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो आपको यही खबर देनी थी और जिस किस प्रकार रिजल्ट चेक करना आपको सब कुछ बता दिया है मैंने। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और जो अनअकैडमी पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो अनअकैडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाकर जरूर फॉलो करें और अपने कोर्स की तैयारी करें अच्छे से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार का फिर से कह देता हूँ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और जिसने भी अभी तक पासवर्ड याद नहीं है तो पासवर्ड फॉरगेट कर लीजिएगा, बाद में दिक्कत होगी गाइस, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है।